एक शाम शहीदों के नाम श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन सूबे की राजधानी लखनऊ में सिया कॉलेज एनसीसी और हमराह यक्ष कैडेट एनसीसी सेवा संस्थान ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित देते हुए इस दौरान एक मिनट मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान व्यक्त किया गया। संस्था के अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा, इस देश की आजादी को बनाए रखने में भारतीय फौज की बहुत महती भूमिका है और भारतीय फौज की वजह से हम लोग होली दिवाली ईद बकरीद मना पाते हैं। और बताया, भारतीय सेना के अदम्य साहस की वजह से देश के दुश्मनों की हिम्मत नहीं पड़ती कि वे सीमा की तरफ देखें, और जिन्होंने सीमा की तरफ देखा उनको भारतीय फौज ने ऊपर पहुंचा दिया। ऐसी सेना को हम सब सम्मान देते हैं, ऐसी सेना पाकर हम धन्य हो गए हैं। इस दौरान अंडर ऑफिसर हरीश पांडे, मोहित कुशवाहा, अनुभव त्रिपाठी, अभिषेक दीक्षित, समीर इमरान, अभिषेक आदर्श, सौरभ प्रजापति, शिवम रावत, पूर्व अंडर ऑफिसर आर्यन निगम, रोहित सिंह, धोनी, प्रशांत गुप्ता, मोहम्मद फैज आदि तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे तमाम नौजवान, सेना के तमाम सिपाही और कमांडर्स मारे गए थे इसमें, और ये बड़ा इस वक्त जो है बड़ा ही दुखित कर देने वाला समय था, और आज हम उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे अगर आर्मी के जवान ना हो, अगर हमारे देश की सेना ना हो, तो शायद आज हम यहाँ पे जो खड़े होकर बातें कर पा रहे हैं, या हम यहाँ पे आराम से खड़े हैं, तो बॉर्डर पे जो लोग खड़े हैं, जो लोग शहादत दे रहे हैं, हम उन्हीं की बदौलत है जो आज इस देश में इस जगह पे आप खड़े हो सकते हैं। और ना इस देश को गुलाम होने में, या इस देश पर दुश्मनों का कब्जा होने में चंद सेकंड ही लग सकता है, लेकिन जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, उन्होंने अपनी शहादतों से एक नया इतिहास लिखा है, और उस इतिहास के नाते हम सभी का अपना एक कर्तव्य बनता है कि हमारे बीच में ना रहने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लोग हों, चाहे हमारी सेना के नौजवान हों जिन्होंने इस देश के लिए मर मिटने का काम किया है, हमें उनको याद करते रहना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेते रहना चाहिए कि उन्होंने अपने देश के लिए मर मिटे हैं, न कि अपने लिए मिले। आज की स्थिति जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों में देखते हैं भाई भाई का नहीं होता है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं होता है, लेकिन जो आर्मी के लोग हैं, जो आर्मी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है, उन्होंने अपने लिए नहीं जान दिया है, उन्होंने अपने देश के लिए जान दिया है, और ये कुर्बानी, इनकी शहादत को हम इस तरह से नहीं भुला सकते हैं, इस तरह से नहीं मिटाया जा सकता है, न इनके इतिहास के पन्ने में दफन किया जा सकता है, बल्कि उस इतिहास के पन्ने को पलटने की ज़रूरत है और अपने लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे लोगों ने इस देश के इतिहास को कैसे बनाया है, अपने खून से इसको सींचा है, अपने खून से इसको बनाया है, एक नई इबारत लिखने का काम किया है जो भारतीय सेना ने किया है, जो कि 24 घंटे चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो मरुस्थल का स्थान हो, चाहे वो नदी हो, नाले हो, झरने हो, पहाड़ हो, रात हो, दिन हो, या दो पहाड़ हो, हर वक्त उन्होंने आपके लिए सजग रहे हैं, इस देश के लिए सजग रहे हैं, इस देश के वासियों के लिए सजग रहते हैं, और तब हम और आप यहाँ पर चैन की नींद, ईद और होली एक साथ मना पाते हैं, अन्यथा आने वाले समय में शायद ये भी आप न कर पाए। अगर हमने अपने भारतीय देश, अपने भारत के भारतीय सैनिक जो हैं, अगर उनको हमने मान सम्मान नहीं दिया, तो आने वाले समय में देश